राम राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। राजस्थान में सरकार आ रही थे, कौन की कहीं आ रही थे, कौन की कौन आ रही। एग्जिट पोल आ चुके थे शाम ने 6 बजे, तो मैं आज कालडरा ले रही हूँ भाई, कौन की सरकार बन रही थी, कौन की सरकार कौन बन रही राजस्थान में अपने अड़े। तो कालडरा में ले रही हूँ भाई, जनता से मैं बात करूँगा, आज कॉम्प्लेक्स में ले रहा हूँ जो मैं आज, तो तुम मैं बात भी रहा हूँ कौन की सरकार कहीं बन रही थी, कौन की कौन बन रही। तो मैं आज ले रही हूँ उमा रेडीमेंट वाला, तो मैं आज भाई साहब से बात करूँगा। हाँ भाई साहब, आपका नाम? पुखराज कुमार। तो आपके बर्तन कहीं लाओ भाई, राजस्थान में कौन कहीं सरकार आवली? बीजेपी की सरकार आवली। बीजेपी की सरकार आवली, डेफिनेट बीजेपी बहुमत है सुजीतली। और आपने चोमू में? चोमू में रामलाल जी वाला। रामलाल जी ना बाव कारण? कारण जी भी को काम देखे जा रही है, जो काम देखे जा रही है प्रोग्रेस में जो है रोड 1% भी टूटेड़ी को ने बनतरी जो टूट गई, जो टाइम पर बन रही जे विकास प्रगति पर जे। तो रामलाल ने वोट दिया था? हाँ, रामलाल ने वोट दिया था, अनेका बहुमत से जीत लो। हाँ तो बताएं, दूसरी दुकान में बात कराऊँ जो भाई, सबसे भाई विकास तो करवाया थी भाई, कौन कहीं जीत रहे कौन कहीं हार रहे। हाँ काका जी, आप नाम? राजेश कुमार। तो कहीं ला रहे हो आप राजस्थान में? राजस्थान में बीजेपी वाली। और चोमू में? चोमू में रामलाल जी वाला। रामलाल जी बिल्कुल वोट दिया रामलाल जी? बिल्कुल पक्का। ते कहीं देख रहे जो? राम राम जी। राम राम जी, कहीं नाम आप? कमल कुमार शर्मा। और कहीं ला रहे आप राजस्थान में? 118-120 सीट आवली बीजेपी की। और आपने चोमू में? रामलाल जी। रामलाल जी ने आप कारण वोट दिया था रामलाल जी ने? तो रामलाल जी जीतला। और रात का 12 बजे तक दरवाजा खुला रह जाए हमेशा, और रामलाल जी जीतला। रामलाल जी 20,000 वोटा चोमू में जी। तो हाँ तो मैं बात कराऊ आज भाई साहब सु। हाँ भाई साहब, कहीं ला रहे आप राजस्थान में, कौन कहीं जीत रहे? देखो राजस्थान में बात ही है, एग्जिट पोल तो बता रहे जी, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और यहाँ बदलाव तो है जो हमेशा, तो बीजेपी आनी चाहे जी। हर 5 साल से कांग्रेस पे लिया जाए, फिर भाजपा आ जाए, भाजपा आ जाए, भाजपा के बाद कांग्रेस आ जाए, वो एक इतिहास है राजस्थान को। अब की बार भी उम्मीद आई जाए कि पहली कांग्रेस थी, अब की बार बीजेपी आवा का पूरा पूरा उम्मीद है। पूरा अपना चोमू मेर? चोमू रामलाल की पूरी पूरी उम्मीद है, बाकी अगर अंदरूनी कुछ हो जाए तो जहाँ ये स्कीम वगैरह जो चाल रही थी कांग्रेस की, चिरंजीवी और अपनी जो चिरंजीवी बीमा चाल रही जो ना, बिना रुझान जहाँ बिजली ने बिजली फ्री दे, अगर कुआ की लाइटा फ्री दे, अगर अन दे, अगर कांग्रेस ने अगर लोग अंदरूनी वोट दे दे चे, तो कांग्रेस में सिक्का मील भी जीत सके। तो रिपीट हो सकते कांग्रेस अब की बारी नहीं है कौन? देखो रिपीट तो चांस कम छे, बाकी अब जनता जनार्दन छे, अंदरूनी का ही करे छे, कौन की साथ कहीं दगो करे खटे वोट दे छे। तो भी हिसाब से अगर देखो जाए तो बीजेपी का चांस, अगर रामलाल की साथ हो जाए या सैनी समाज छे अपनो, सैनी समाज के अलावा और छे जाति अपनी जो एसटी छे, ए अगर इन्हें रामलाल ने दे दी छे जहाँ तो जीत जाए छे, और ए अगर कांग्रेस ने दे दे छे तो फिर कांग्रेस शोर सही छे। कहाँ लड़ दादी आपके, कौन की सरकार रिपीट हो रही है? कौन सी? कांग्रेस आवली की बीजेपी आप राजस्थान में? भाई देखो आपने तो कांग्रेस से। कांग्रेस आवली? कांग्रेस। और चोमू में कौन जीत रहे है? अब चोमू को मन कौन थी मन तो कौन ध्यान? हाँ कागज, कहीं लड़ जाओ राजस्थान में? रामलाल जी दलो। और राजस्थान में? राजस्थान में बीजेपी आवली। और कहीं कितनी कहीं सीट ले रहे? 110। हाँ लगभग 3 तारीख ने रिजल्ट आया, 110 सीटें बीजेपी की आएगी। मैं कालडरा में दुकाना में अलग अलग लेट जा रही हूँ भाई, अब दूसरी तो कपड़ा की दुकान में जो भाई साहब बैठे जी, तो मान पूछ भाई राजस्थान में कौन की कहीं सरकार आ रही है? राजस्थान में हाल कुछ खे कौन सका साहब, तीन खे माई आपकी बोल रहे थे, अभी तो कुछ क्लियर कौन है? मेरे पिता का अनुमान सुबह राजस्थान में कौन की सरकार बन सका जाए अनुमान सु? राजस्थान में या पक्की कौन कर सका साहब? मेरे पिता को अनुमान अनुमान का ही बताओ आपने। और आपने चोमू में? चोमू में देखो कांटा की टक्कर दे, कोई खे कौन सा काल चोमू में भी? चोमू में भाई राजस्थान में तो खेदे भाई, इन्हें तो कोई कौन भाई, जीतियाबाद में कहीं कौन भाई? हाँ तो खे कौन सा भाई? बीजेपी क्या होली, कांग्रेस होली या गठबंधन सरकार बनेली? नहीं सरकार तो पूर्ण बहुमत से ही बनेली, जो भी बनेली सीटा पूरी होली। बाकी भाई एग्जिट पोल तो बीजेपी ने बता रहे थे, एग्जिट पोल की खे कौन सा क्योंकि बराबर की टक्कर है इस बार, तो जो अंतर है लो वो कम मार्जिन को। मनसुख खेपा कौन सा रे भाई, ये सरकार जाए भाई? नहीं दबाव की कोई बात कौन है? जो सुन रहे थे आप, एग्जिट पोल भी देखो सबका अलग अलग आ रहा है, तो आप ये मामला में आप
आप यहाँ चाउनिया बोला तो सही कौन है तो जो तीनों दल ही आप आपकी बोल रहे थे जो देखो हाँ तो मैं फिर ले रहे जो आप काले डेरा में शोपा में अलग अलग जगह पर जा रही हूँ भाई कौन कहीं जीत लो कहीं कहीं रलो भाई राजस्थान में कहीं ला रहे हो सबकी बारी गहलोत गहलोत जी रिपीट लो रिकॉर्ड तोड़ लगा बिल्कुल तोड़ ला और आपने राजस्थान चोमू में चोमू का मायने भी टक्कर जाए तीन के बराबर की फिर भी अनुमानसु बताओ भाई कौन जीत अनुमानसु को ना मैं तीन बोट हटे जा तीन अलग अलग जे भाई रामलाल जीतला के शेखर मिल जीतली छुट्टन जी यादव जीतला बराबर की टक्कर से साथ तीन आगे तीन आगे तो भाई साहब कहीं लाड़ तो आप राजस्थान में कौन कहीं सरकार बने ली भाई साहब गहलोत जी आवला रिपीट होला शायद गहलोत जी आवला ये लागरी जे काले एग्जिट पोल का आधार पर भी ये लागरी जे भाई योजना को लेकर आवला गहलोत जी या फिर भी आवला नहीं रिकॉर्ड तोड़ लगा आपकी बारी आपने रिकॉर्ड का को भाई दस हम ऐसा पांच साल जो बीजेपी कांग्रेस से आती रही थे टूटे लो रिपीट हो लाभ रिपीट और आपने चोमूसूर गोली टक्कर थोड़ी बता दे रहे वोट तो आ जाए डॉक्टर साहब भी आ जाए साहब डॉक्टर साहब भी आ जाए बिल्कुल बिल्कुल भी आ जाए अलग अलग शोपा में जा चुके हो अब दूसरी पेर एक शोप ले रहे हो भाई तो काका जी कहीं ला रहे हो आपकी बारे आपने कौन कहीं जीत रहे आपकी बार बीजेपी सरकार चालू है और बदलाव जरूरी है राजस्थान में बदलाव जरूरी है और आपने चोमू में भी राम जी को ही आवलो भाजपा सरकार के सामने कौन बताऊ वही बताओ लो मारा तो ठोक डंका की चोट कि भाजपा सरकार अब की बार भाजपा सरकार रिपीट होली रिपीट रिकॉर्ड कौन तोड़े गहलोत जी कौन तोड़े गहलोत जी तो गया तेलेवा गया हाँ भाई राजस्थान में कौन कहीं सरकार आ रही है राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ रही है कहीं कारण लो बीजेपी का बीजेपी को हर काम में विकास हो लो हर गांव में और अपना चोमू में रामलाल जी 20,000 वोट है रामलाल जी शर्मा हाँ और अनंत को ले आओ नहीं रामलाल जी नहीं हाँ